आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे जंगल की जहां पर सल्तनत के लिए होती रही है जंग। तो कौन सा है वो जंगल और किस जंगल की हम आज बात करेंगे? तो रणथंभौर का वह जंगल जहां पर रणथंभौर के बाघ बाघिनों में रणथंभौर के जोन नंबर 3 को लेकर हुई है कई बार जंग। तो उस एक ऐसी जंग की कहानी हम आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो रणथंभौर का भारत में रणथंभौर नेशनल पार्क बहुत फेमस है। भारत में ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में यह पार्क बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पर बाघ और बाघिन में रणथंभौर के पद्म लेक को लेकर हमेशा युद्ध हुए हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ की रानी हुआ करती थी T16, जो मछली के नाम से फेमस थी, उसके बाद में उसी की बेटी कृष्णा ने यहाँ पर राज किया और उसके बाद में एरोहेड T84। एरोहेड के बाद में अभी यहाँ पर कौन कर रही है शासन, किसका चल रहा है शासन? तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे उस टाइग्रेस की। तो रणथंभौर की एक ऐसी बाघिन जो आज दर दर भटक रही है, और कौन सी है वो बाघिन, उसी के बारे में हम बात करेंगे। रणथंभौर की एक फेमस बाघिन T84 एरोहेड के नाम से यहाँ पर बहुत फेमस है। एरोहेड की माता का नाम कृष्णा T19 है। यह कहानी है सन 2016-17 में रणथंभौर के इस नेशनल पार्क के जोन 3 पर पद्म लेक और राजबाग पर एरोहेड नाम की एक बाघिन T84 का राज्य चल रहा था और उसका राज्य चरम सीमा पर पहुंच गया था। वर्ष 2018 में अक्टूबर नवंबर के महीने में उस बाघिन ने 2 शावकों को जन्म दिया। वह शावक पहली बार अक्टूबर नवंबर के महीने में, इस बाघिन को जनवरी के महीने 2019 में मोहन सिंह ड्राइवर ने 2 बच्चों के साथ इस टाइग्रेस को देखा। इस बाघिन के 2 छोटे छोटे शावक लगभग 3 से 4 महीने के शावक उस समय थे, और एरोहेड को शावकों के साथ में देखकर रणथंभौर में खुशी की लहर चलने लगी और वन्य जीव प्रेमी इन टाइगर के बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए और धीरे धीरे ये शावक बड़े होते रहे अपनी हटकेलियों के साथ में। इनको रणथंभौर में वाइल्ड लाइफरों को कई फोटोग्राफ्स इन्होंने दिए। ऐसे धीरे धीरे समय निकलता गया और ये लगभग 2 वर्ष के हो चुके थे। ये एरोहेड की जो दोनों शावक जो थे, ये दोनों फीमेल टाइग्रेस थी। तो 2 साल होने के बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनको एक पहचान दी, इनको एक कोड दिया T124, T125, T125। यह कोड इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दिया इसकी इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। जब टाइगर के कब्स 2 साल के हो जाते हैं, 2 से 3 साल के ऊपर, तब उनको एक आइडेंटिफाई नंबर दिया जाता है। और धीरे धीरे कुछ दिन निकलते गए, ये दोनों टाइग्रेस फेमस होती रही। थोड़े दिन में ही इन टाइग्रेस की ऐसी हटकेलियां देखकर इनको गाइड और ड्राइवरों ने इनका नाम रिद्धि और सिद्धि रख दिया। अब दोनों बहन अपनी जवानी की चरम अवस्था पर पहुंच गई थी। वही कहानी एक बार दोबारा, जो ताकतवर है वही जंगल पर राज करेगा। अब एरोहेड को लगने लगा कि ये दोनों बहनें मेरे को यहाँ पर नहीं रहने देगी। जैसे एरोहेड ने
रणथंभौर के पद्मलेख पर राज किया, वैसे अब उसको वहां से छोड़ने की बारी आ गई है। तो एक दिन मौका लगते ही उसी की अपनी बेटी सिद्धि ने उसकी मां पर अटैक बोल दिया। लेकिन एरोहेड भी मां है और अभी उसमें इतनी ताकत थी कि वह टाइग्रेस सिद्धि का मुकाबला कर सके। तो एरोहेड उस पर भारी पड़ी, उस पर थोड़ी भारी पड़ी, तो उसने वहां से अपने पंजे दबा लिए और टाइग्रेस सिद्धि को लगा कि वह यहाँ राज नहीं कर सकती, तो वह वहां से दूर कहीं दूसरी जगह पर चली गई और उसने वहां पर अपनी टेरिटरी बना ली। लेकिन अभी टाइग्रेस एरोहेड के लिए मुसीबतें कम नहीं हुई। उसी की एक और बेटी रिद्धि उस पर घात लगाए बेटी थी कि कब माँ उसको एक ऐसे समय पर मिले, एक ऐसी जगह पर मिले कि जहाँ वह उस पर मौका लगते ही धावा बोल दे। और वह समय आ गया। उस बाघिन ने, टाइग्रेस रिद्धि ने मौका लगते ही अपनी माँ पर धावा बोल दिया, लेकिन एरोहेड ने उसका मुकाबला बराबरी से किया। और लेकिन मुकाबला बराबरी से होने के बाद भी माता एरोहेड को ऐसा नहीं लगा कि वह उसका मुकाबला कर सकती है। उसने सोचा कि एक ना एक दिन मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो उसने धीरे धीरे वहाँ से अपनी टेरिटरी छोड़कर किसी दूसरी जगह पर अपनी टेरिटरी बनाना चालू कर दिया। और अभी उसकी कोई एक स्थानीय टेरिटरी नहीं है, कोई एक स्थानीय जगह उसके पास नहीं है। वह रणथंभौर के जंगल में कभी इस जगह पर दिखाई देती है, कभी जोन 4 पर दिखाई देती है, कभी जोन 2 पर दिखाई देती है, कभी जोन 1 के आसपास दिखाई देती है, कभी रणथंभौर के रास्ते पर दिखाई देती है। तो यही होता है जंगल का कानून, जो ताकतवर है वही करेगा राजगद्दी पर राज। तो इस तरह अपनी दोनों ही बेटियों ने अपनी माँ को कर दिया बेघर। और अभी रणथंभौर के मेन पार्क पर, रणथंभौर के मेन लेक पर टाइग्रेस और रिद्धि T-124 का राज चल रहा है। और वह अभी एक बार माँ बन चुकी है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके बच्चों को देखा लेकिन अब नहीं दिखाई दे रहे। तो देखते हैं रणथंभौर के ऐसे ही वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, ऐसे ही स्टोरियों से रिलेटेड आप हमारे चैनल पे वीडियो देखते रहिए। और अभी इस टाइग्रेस के साथ में इसी का मेल पार्टनर T-120 गणेश और योद्धा भी इसी जोन पर अपना राज्य कर रहा है। तो रणथंभौर से ऐसे ही रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड वीडियो और ऐसी ही ट्रू स्टोरी हमारे चैनल में देखने को आपको मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।